जालौन गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरसेड़ा का युवक नौकरी के लिए घर से रात्रि में फरीदाबाद के लिए निकला। रात्रि में उसके घर वालों के पास फोन आया कि मेरा अपहरण हो गया है, पेटीएम में रुपए डाल दो। पेटीएम में रुपए डालने के बाद युवक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उसका सब मिला था। अब पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के दिशा निर्देशन व सीओ माधवगढ़ शहीदा नसरीन के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष राजीव कुमार बेस ने कार्रवाई शुरू की। थाना पुलिस युवक का शव लेने पहुंची। युवक का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। युवक अपने घर का अकेला चिराग था। युवक के घर वालों ने रात में जाने के लिए मना किया पर वह नहीं माना और बाइक से घर से निकल गया था। तक के बाद से युवक का मोबाइल व बाइक गायब है। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने ग्राम कुरसेड़ा में उपस्थित रहकर परिवारजनों को ढांढस बताया और वादा किया कि बहुत जल्द वर्कआउट कर हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक बेटी ही किसी चिराग के जाने पर माँ बहन का दर्द समझ सकती है। सीओ माधवगढ़ शहीदा नसरीन ने बुरी तरह करुण क्रंदन कर रही माता बहन को गले लगाकर ढांढस बंधाया और कहा कि अब हम आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन उनके हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मृतक की माता पिता बहन सहित परिवारिक जनों ने सिर्फ एक मांग की है कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएं और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वरना मैं थाना अध्यक्ष मोहन राजीव बैस ने बताया कि बहुत जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए जालौन से हरिओम बदौलिया की खास रिपोर्ट।